हाय फ्रेंड्स, अगर आपको फोटो एडिटिंग पसंद है या सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस करें हमारी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको दिखाएंगे ये वाला एडिट कैसे किया जाता है। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड। फिर हम जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाकर हम अपना पिक ऐड कर लेंगे ऐसे ही ठीक लेते हुए। तो दोस्तों, मैं अपना पिक ऐड कर लिया। अभी हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाकर एक फुटबॉल का पीएनजी हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपने पैरों के ऊपर। ठीक ऐसे ही ऐड कर लेना। लगता है ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा हम और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अभी ठीक है, अभी हम यहाँ से सीधा सा डन कर देंगे। तो दोस्तों, हमने फुटबॉल का पीएनजी ऐड कर लिया। अभी हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाकर हमको लगाना पड़ेगा शेडो। ये वाला फोटो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे अपने सर के नीचे। सर के नीचे ऐड करने के बाद हम जाएंगे सीधा इरेजर में। तो दोस्तों, अभी हम जाएंगे इरेजर में। इरेजर में जाकर इन ये वाला फ़ोटो को सारा के सारा को इरेज कर लेंगे। इरेज करने के बाद हम जाएंगे ब्रश वाला ऑप्शन में। ब्रश वाला ऑप्शन में जाकर जहाँ जहाँ शेडो बनता है वहाँ पर ही हम ड्रॉ करेंगे। ठीक ऐसे ही। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे कोई भी नया हो तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बेल आइकन को दबाने से मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहले जाएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे साथ बात भी कर सकते हो एडिटिंग के बारे में। और एक बात मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, इस वीडियो में बताना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर आपका बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता ठीक से तो आपका फोटो एडिटिंग कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, नीचे डिस्क्रिप्शन में बैकग्राउंड इरेज का वीडियो दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर मतलब देख सकते हो। और एक बात, अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना ठीक से नहीं आता, फुल एचडी में बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, तो फिर आपका फोटो एडिटिंग कभी भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि फोटो एडिटिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो है बैकग्राउंड इरेज करना। तो बैकग्राउंड इरेज करना आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, ये वाला शेडो हमने ड्रॉ कर लिया। अभी हम यहाँ से सीधा से डन कर देंगे। डन करने के बाद हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाकर हम और एक शेडो ऐड करेंगे अपने पैरों के नीचे। अपने पैरों के नीचे ठीक ऐसे ही लगा देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हम इरेजर वाला ऑप्शन लेंगे और बाकी सब हिस्से को इरेज कर देंगे, सिर्फ शेडोज को रखेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि इरेज का काम खत्म हो गया। अभी हम इसे सीधा सा सेट करके डन कर देंगे। डन करने के बाद हम जाएंगे सीधा ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाकर हम इस पिक को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम जाएंगे लाइटरूम में। तो दोस्तों, अभी हमने ये वाला पिक को सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम आएंगे ये वाला ऑप्शन में, लाइटरूम वाला ऑप्शन में, एप्लीकेशन में। तो लाइटरूम वाला एप्लीकेशन में हम अपना जो अभी अभी पिक एडिट किया उसको ऐड कर लेंगे कलर एडिटिंग के लिए। तो अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वन फोटो सक्सेसफुल। तो इसके बाद मतलब फ़ोटो ऐड हो गया। अभी हम जाएंगे लाइट वाला ऑप्शन में। लाइट वाला ऑप्शन में जाकर एक्सक्रोस को थोड़ा सा कम कर लेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा हाई कर लेंगे, हाईलाइट को थोड़ा सा हाई, शेडोज को थोड़ा सा हाई, वाइट को भी थोड़ा सा, शेडोज को थोड़ा सा कम, और व्हाइट को भी थोड़ा सा हाई, ब्लैक को थोड़ा सा कम। अभी हम जाएंगे मिक्स वाला ऑप्शन में। मिक्स वाला ऑप्शन में जाकर गुलाबी कलर का ऑप्शन लेंगे, ह्यू को हाई करेंगे, सैचुरेशन को कम करेंगे और लुमिनियस को हाई कर देंगे। लगता है गुलाबी कलर का सैचुरेशन ज़्यादा ही कम हो गया है, थोड़ा सा हाई कर लेंगे यस। हाँ, अभी ठीक है। तो अभी हम जाएंगे येलो कलर का ऑप्शन में। ह्यू को थोड़ा सा कम कर लेंगे, नहीं थोड़ा सा हाई कर लेते हैं, लुमिनियंस को थोड़ा सा हाई और सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अभी हम जाएंगे ग्रीन कलर के ऑप्शन में। ह्यू को थोड़ा सा कम, सैचुरेशन को थोड़ा सा हाई और लुमिनियंस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं।
तो अभी ठीक दिखाई देगा, पूरा फुलिस्ट दिख रहा है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से सीधा सा मिक्स वाला ऑप्शन डन कर देंगे। डन करने के बाद हम जाएंगे शार्पनेस वाला ऑप्शन में, ट्राइंगल वाला ऑप्शन में। शार्पनेस को हाई करेंगे, मार्किंग को, शार्पनेस को हाई करने के बाद आपको एज दिखाई देगा। फिर हम जाएंगे मार्किंग में, मार्किंग को थोड़ा सा हाई कर देंगे और भी अच्छा दिखाई देगा। अभी हम जाएंगे नॉइस वाला ऑप्शन में, नॉइस को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। तो दोस्तों ट्राइंगल का काम ख़त्म, अभी आपको 3D दिखाई देगा। अभी हम जाएंगे सर्कल वाला ऑप्शन में, क्लियरिटी को थोड़ा सा हाई कर लेंगे और बिगनेट को यहाँ से थोड़ा सा नीचे से बिगनेट को थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो ख़त्म, मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी धमाकेदार एडिट के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देना।